आज हम देखेंगे कि किसान अपना खरीफ फसल का पंजीयन ऑनलाइन कैसे कराएं। किसानों के पास दो और एक तीन ऑप्शन हैं जिसके जरिए ऑनलाइन पंजीयन करवा सकते हैं। पहला तो अपने नज़दीकी सोसाइटी समिति पर जाकर पंजीयन कराएं। दूसरा, एमपी किसान ऐप के जरिए अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर आधार एक्सेट्रा जानकारी से अपना पंजीयन करा सकते हैं। तीसरा, वेबसाइट के माध्यम से, जिसको करने के लिए सबसे पहले हमें सर्च करना होता है एमपी ई उपार्जन। एमपी उपार्जन को एंटर करें। ई उपार्जन की वेबसाइट पर जाएं, जो कुछ इस प्रकार की है। अब खरीफ किसान पंजीयन 2019-20 पर क्लिक करें। इसके बाद खरीफ उपार्जन वर्ष 2019-20 हेतु किसान पंजीयन आवेदन पर क्लिक करें। इसके बाद अपना समग्र नंबर या मोबाइल नंबर या पिछले वर्ष का किसान कोड एंटर करें। उसके बाद अपना आधार नंबर एंटर करें। उसके बाद इस कैप्चा को इस स्थान पर एंटर कर पंजीयन करें पर क्लिक करें। तब कुछ इस प्रकार की जानकारी खुलेगी, जिस पर सबसे पहले फसल लाने की तिथि एंटर करें। उसके बाद दूसरी तारीख, फिर तीसरी तारीख एंटर कर अपना जिला, तहसील और ग्राम सेलेक्ट करें। तब अपने नाम पर चेक मार्क करें और जोड़े पर क्लिक करें। फिर इन बॉक्स पर चेक मार्क लगाकर सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। अपने मोबाइल नंबर पे आई ओटीपी पर एंटर करें। फिर इस हरे बटन पर क्लिक करें। इस प्रकार आप पंजीयन कर सकते हैं। आप पंजीयन हुआ या नहीं चेक करने के लिए वापस इस पेज पर आएं और किसान आवेदन सर्च पर क्लिक करें। तब अपना मोबाइल नंबर, समग्र आईडी, ये दोनों में से कोई एक यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद ये कैप्चा एंटर करें। तब किसान सर्च पर क्लिक करें, आपका रिकॉर्ड आ जाएगा यदि आपका पंजीयन हो गया है। थैंक यू।